हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, इतना इंतजार करने के बाद प्रभास की मच अवेटेड मूवी सलार का ट्रेलर भी ड्रॉप कर चुका है। अभी ये ट्रेलर देखने में अच्छा भी है और बुरा भी है। तो आज इस ट्रेलर के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते कि आखिरकार ये पूरा ट्रेलर देखने में था कैसा। तो ये ट्रेलर वाकई में अच्छा था, लेकिन ये फैंस के एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि फैंस ने इस मूवी से कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन कर रखी थी और कुछ अपनी फैन थ्योरीज बना रखी थी कि ये केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट होगा, इसके अंदर हमें अपने रॉकी भाई देखने को मिलेंगे, कि ये एक अलग ही यूनिवर्स बन रहा है जिसके अंदर हमें सलार वर्सेस केजीएफ देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो है उनके फैंस के एक्सपेक्टेशन के ऊपर पानी फेर दिया है सलार के मेकर्स ने, क्योंकि ये उससे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है और सलार अपना एक अलग ही यूनिवर्स बनाएगी। और अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। जितना ट्रेलर को देखने के बाद पता लगा है, तो सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो इसके अंदर यही है कि सबसे पहले फैंस को लग रहा था कि जो पृथ्वीराज सुकुमार है वो इसके अंदर एक विलन का रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो विलन का रोल प्ले नहीं कर रहे बल्कि प्रभास के दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि जब ट्रेलर की शुरुआत इसी से ही होती है कि अपने जो प्रभास का कैरेक्टर जिसका नाम देवा होता है और अपने पृथ्वीराज सुकुमार का नाम वरदराज मन्नार होता है, उन्हें दोनों की दोस्ती शुरुआत होती है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे बचपन के अंदर। और अपने पृथ्वीराज सुकुमार को देखने के बाद ये पता लग रहा है कि ये ट्राइब से बिलोंग करेंगे, और जो ये ट्राइब से बिलोंग करेंगे वो पूरी की पूरी खान को कंट्रोल करती होगी। अब वो खान का है कि ये तो बताया नहीं गया। इसके अंदर केजीएफ जैसे कुछ सीन होगा कि जहाँ पे गोल्ड माइन होती थी उसी की वजह से सारी लड़ाई थी, और उसी तरह इसके अंदर भी हो सकता है कि खान है जिसके अंदर से कुछ कीमती चीजें निकलती होगी। लेकिन अभी तो वो अपने वरदराज भैया के पापा कंट्रोल में है, क्योंकि मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था कि तीन ट्राइब होती है जो कि मिलके एक ट्राइब को चुनते हैं कि वही पूरी खान को कंट्रोल करेगा, और जहाँ पर ये खान होगी उस जगह को नाम दिया खानसार, जो कि एक फिक्शनल सिटी होगी। और फिर दिखाया जाता है कि जो अपने वरदराज भैया के पापा होंगे वो ये चाहते हैं कि उनके जिंदा रहते उनका बेटा इस जगह को कंट्रोल करे, लेकिन फिर कुछ हो जाएंगे राजनीतिक लफड़े जहाँ पे जो बची हुई दो तीन ट्राइबे होंगी वो इसके खिलाफ बगावत कर देंगी। ट्रेलर में ये आवाज आती है कि अगर हम उसके बेटे को राजा बनने से पहले खत्म कर दे तो वो राजा बनेगा ही, तो सब पीछे पड़ जाएंगे वरदराजन को मारने के लिए ताकि वो राजा ना बने और कोई दूसरी ट्राइब में से कोई बंदा राजा बने, और इसी की वजह सारा खेल है। सारी ट्राइब अपनी अपनी आर्मी लेकर आएंगी और इसी के बाद अपने वरदराजन भैया जाएंगे अपने बचपन के दोस्त के पास, जो क्योंकि प्रभास जिसका मूवी के अंदर नाम है देवा, और वही बंदा अकेले पूरी आर्मी के बराबर होगा, और वो खाली अपने दोस्त की वापस गद्दी दिलाने आएगा, सारी आर्मी से फाइट करेगा और उनको डिफीट करेगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने दोस्त को उसकी गद्दी वापस दिलाएगा। अब इस मूवी के अंदर तो एक्शन तो दबा के होगा, खून खराबा अच्छे से दिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी फैंस की उम्मीद टूट जाएगी, क्योंकि वो ये उम्मीद रख रही थी कि इसके अंदर हमें रॉकी भाई भी देखने को मिलेंगे, ये केजीएफ यूनिवर्स के अंदर सेट होगी मूवी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अलग यूनिवर्स बनाएगी जो कि सलार का यूनिवर्स होगा। हाँ, ये बात तो है, अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हो तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना कि ये केजीएफ से कनेक्ट होगी, बल्कि ये सोच के जाना कि आप एक एक्शन पैक मूवी देखने को जा रहे हो, तब जाके आपको इस मूवी को देखने का अलग ही मजा आएगा। कमाई की बात की जाए तो पैसा तो बहुत ज्यादा कमाएगी, क्योंकि प्रभास की फिल्म फ्लॉप भी होती है तो वो भी 300-400 करोड़ कमा के होती है। अभी हाल ही में आई आदि पुरुष वो तो 500 करोड़ कमा के फ्लॉप हुई थी, तो पैसों की टेंशन मत लो, पैसा तो ये अच्छा खासा कमाएगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस मूवी को देखने जाओगे या फिर नहीं, और बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।